हेलो एवरीवन, आइए आज हम परफेक्ट बाजू बनाएं। इसके लिए देखिए, हमने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है और ये डिज़ाइन के लिए ये नेट के टुकड़े लिए हैं डिज़ाइन के लिए, और ये उरी पट्टी है, इसको डोरी की तरह फोल्ड कर लिया है। ये हमारी उरी पट्टी है 2 इंच की, और इसको हमने एक सिलाई लगा करके फोल्ड कर लिया है। ये उरी पट्टी है और ये नेट के टुकड़े हैं, ये सिंपल कट पीस है नेट का। और देखिए इसको हमने कितना लंबा चौड़ा लिया है, आपको बता देते हैं। ये हमारा कट पीस 4 इंच का है और इस तरफ से भी हमारा 4 इंच का है। तो ये हमने 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा चौकोर कट पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये भी हमारे 4-4 इंच के हैं, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है नेट को, और ये बुनती इस पर लगी हुई है, बीच में इसको रखा है हमने, साइडों से इस पर मार्जिन रख लिया है। तो इनके हम फूल बनाएंगे इनके, और इस बाजू को हम डिज़ाइनेबल बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के हमने काफ़ी कट बनाए हैं, इससे हम प्लेन फूल बनाएंगे और इससे हम फूल वाले फूल बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस बाजू की कटिंग कर लेते हैं वेलवेट से। इसको हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई देखते हैं। देखिए हमें 3 इंच लंबी बाजू रखनी है और ये हमने 3.5 इंच लंबा लिया है। ये हमारा वेलवेट 3.5 इंच लंबा है और इस बाजू की जो चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच को हमने 2 इंच नीचे से 7 इंच लंबा करना है। ये हमारी बाजू 7 इंच लंबी है और इसका 1.5 इंच का हमें मार्जिन रखना है। ये 1.5 इंच का मार्जिन है और ये 7 इंच इसकी चौड़ाई है, आर्म होल है इसकी 7 इंच। अब ये 2.25 इंच का जो मार्किंग है, इसमें 7 इंच को हम मिलाएंगे इस प्रकार से, और जो बाजू की मोहरी होती है वो हमारी बाजू की मोहरी है 11 इंच, 11 को हम हाफ करेंगे 5.5 इंच पे, 5.5 को हम 7 इंच में मिलाएंगे इस प्रकार से, और जो मार्जिन है उसको 1.5 इंच मार्जिन में मिलाएंगे। तो ये मार्जिन हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने कटिंग कर दिया है, जो बीच का सेंटर है उस पर इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं, और आगे की साइड में बाजू को, जो हमारी आगे की बाजू की पार्ट्स होती हैं, इसको हम थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से हल्का हल्का 1.5 इंच का मार्जिन मार्किंग कर लेते हैं, और इसको हम हल्का सा शेप लगाते हैं, बिल्कुल हल्का सा शेप लगाएंगे, और ये हमारी आगे की बाजू देखिए इस प्रकार से कटिंग हो गई है। ये आगे के पार्ट्स हैं, ये पीछे के पार्ट्स हैं। अब आगे सी जो जॉइंटेड हैं इनको हम कट करके अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारी दोनों बाजू कटिंग हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसको इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए देखिए हमने ये ब्लैक कलर का ये 2 पीस लिए हैं, पट्टियाँ हैं, और इस ब्लैक कलर के कपड़े को हम उरीप कटिंग करेंगे, जो जैसे तिरछा होता है, जैसे इसको इस प्रकार से हम तिरछा करके इसकी पट्टियाँ कटिंग करेंगे। ये हमारी ब्लाउज की, ये देखिए इसको हमने तिरछा कर लिया है। अब हम इसकी तिरछी पट्टियाँ कटिंग करेंगे डोरी वाली। ये हमारी तिरछी पट्टी होगी, इसको हम सारे पीस को जॉइंट करेंगे और फिर इसकी हम लॉन्ग डोरी निकालेंगे। ये देखिए डोरी वाले सारे पार्ट्स इस प्रकार से तिरछे, देखिए ये जो पार्ट्स है इसको इतना तिरछा रखेंगे, और इस कूट से इस नोक तक, इस नोक से इस नोक तक के हम सिलाई करेंगे। इसको फिर उल्टा ऐसे फोल्ड करके फिर इस पर वैसे ही स्टिचिंग करेंगे।
तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो जॉइंट हो गए हैं हमारे, और इसकी हम लंबी डोरे निकालेंगे। इसको देखिए हम ऐसे कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स इसको कट करके ऐसे कट कर देंगे, और जो ये बीच का स्पेस है देखिए इसको हम खोलेंगे ऐसे, इस प्रकार से चीर लेंगे। जो सिलाई है उसको आप चीर दें और जो एक्स्ट्रा है उसको आप ऐसे हटा दें। देखिए इसी प्रकार से सारे जो पार्ट्स हैं उसको फिनिशिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर दें ऐसे, जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम, और फिर इस प्रकार से चीर लेते हैं। सारी जो जॉइंट किए हुए हमारे पार्ट्स हैं इनको हम इसी प्रकार से खोलेंगे, और इस प्रकार से देखिए हम इसकी लंबी लंबी स्टिचिंग करेंगे, सीधी आधा इंच की स्पेस से इतनी इतनी दूर तक आप इसकी, इस प्रकार से देखिए ये जो सिलाई निकली है इस प्रकार से आप सिलाई निकाल लीजिए। डोरी की पूरी स्टिचिंग करके डोरी के एक नोक को हम इस प्रकार से पक्का करेंगे, और इस सुई को हम इस प्रकार से इसको उल्टा फोल्ड करके अंदर डालेंगे और दूसरी छोर से निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने सुई को बाहर निकाल लिया है। अब इस तरफ से इसको हल्का हल्का प्रेशर करेंगे ऐसे, इसको यहाँ से पकड़ करके ऐसे। अब ये देखिए ये अंदर इस प्रकार से इसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर देंगे, ये अंदर जाने लगी है यहाँ से। अब इसको देखिए ऐसे, इस प्रकार से बहुत इजीली डोरी बन जाती हैं। और ये देखिए ये एक छोर से बाहर निकल गई है। अब इसको यहाँ से ऐसे प्रेशर करके बहुत आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और ये हमारी सारी डोरी हमने बाहर निकाल ली है, तो ये डोरी इस प्रकार से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। इसको यहाँ से कट करेंगे हम, इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे, और ये हमारी डोरियाँ तैयार हैं। अब देखिए हम इसके फूल बना रहे हैं। इसको हम देखिए ये फोल्डिंग, ये यहाँ से बंद है, यहाँ से ये खुला हुआ है, डबल फोल्ड कर लें इसकी, और इस प्रकार इसको हम मशीन में लगाएंगे। और देखिए बहुत इजीली से इस अंगुली को यहाँ इस पे दबा दीजिए, और इससे इस प्रकार की हम इसमें सलवट डालेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप देखिए इसको आसानी से, बहुत आसानी से मैं आपको बता रही हूँ, इस फूल को आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इस फूल को आप बना सकते हैं। एक तरीके से मैंने आपको ये ऐसे बताया है। ये देखिए ये फूल है, ये वर्क का कपड़ा है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे। देखिए इस अंगुली की मदद से इसको हम ऐसे घुमाएंगे, दोनों बराबर में चलने चाहिए ऐसे और ऐसे। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, इसका स्पेस इतना हम निकाल देंगे। ये थोड़ा सा चौड़ा है, इसको हम थोड़ा सा और कम करते हैं। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा है आगे आया हो उसको हम निकाल देंगे, और ये हमारा फूल बन गया है बीच का। इसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे। ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई कुछ भी हार्ड भी नहीं है बिल्कुल भी। और इस एक नोक से दूसरी नोक तक जाना है, फोल्ड किया ऐसे, ऐसे लगाया और ऐसे इसको पकड़ा, और देखिए इस प्रकार से गोल घुमाना है। बहुत ही इजी है, इस प्रकार से हमें इन सबको बनाना है। ये देखिए अब ये पट्टी लिया हमने उरेप, और इस पे ये हमने फूल लगा दिया है, और ये जो हमने डोरी बनाई है इसको हम इस प्रकार से इसको हम जॉइंटेड रखेंगे, और इस प्रकार से बराबर में चलाएंगे, डोरी तक लाएंगे
डोरी को फिर देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ, फिर इसके पास में एक फूल रखेंगे। हमारा जो नेट का फूल है इसको हम इसके पास में वैसे रखेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर इसको हम इस फूल के इस प्रकार से इसको डोरी को लगाएंगे। ध्यान रखें डोरी हमारी बराबर चले। फिर हम इसके बीच में ये देखिए इसको फिर फोल्ड करेंगे डोरी को ऐसे, और यहीं इसको जॉइंटेड रखेंगे। बीच में हम ये तीन फूल के बाद में बीच में इसको रखेंगे और इसी प्रकार से स्टिचिंग करेंगे। फिर इस डोरी को इस प्रकार से राउंडिंग में लेंगे, इसे हल्का सा थोड़ा सा ऐसे ढीला लूज रहने दें। सुई को अंदर डाल करके डोरी को फिर ऐसे बाहर फोल्ड करेंगे। फिर इसके पास में ये दो जो सादे हैं जो सिंपल है, बीच में वर्क का दे दिया है एक पीस, और ये तीन पीस हम इस प्रकार से डोरी लगा के और लगाएंगे। और ये देखिए सारे फूल इस प्रकार से फूल रखा, इसके चारों डोरी लगाई राउंडिंग में और इस पर अटैच कर लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा है देखिए इसको जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर देंगे। इसको हम ऐसे कटिंग करके और ऐसे फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से जो ये उरे पट्टी थी पिंक कलर की, इसको हमने डबल पे स्टिचिंग किया है और एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके और ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे पूरा फोल्ड पूरी जो है पट्टी इसको हम फोल्ड कर दे करेंगे और ऐसे फोल्ड करके सीधी स्टिचिंग करना है। ऐसे बराबर में ऊपर से फोल्ड कर दे इसको और स्टिचिंग कर लें। ये देखिए बहुत इजी और बहुत सरल है। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये हमारी डिज़ाइंस बन चुकी है, अब हम इसको बाजू पे लगाएंगे। ये हमारी बाजू है और इसको आगे से इस प्रकार मोड़ लेते हैं, मोड़ करके इसकी स्टिचिंग कर लें फुल। इसको आगे से ऐसे फोल्ड कर लें ये देखिए ये हमारी बाजू फोल्ड हो चुके हैं। और अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और इस पर इस प्रकार ये हमारी जो डिज़ाइन से ये देखिए ये जो बाजू का मेन सेंटर है ये यहाँ मेन सेंटर पे आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको स्टिचिंग करेंगे। बहुत ईजी और बहुत सुंदर और बहुत सरल डिजाइन्स हैं। आप इसको अपनी बाजू पे लगाएं और बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी वैरायटीज नहीं लगती हैं और लगाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।